वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कितने सब खैर खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, एक ब्रांड न्यू व्लॉग में आप लोग का बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है। आज के व्लॉग का मैंने स्टार्ट कर दिया है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, कंप्लीट डिटेल देने से पहले, मैं आपको कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी दबा के और पका दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके लास्ट मन अपनी राय दिया कीजिए कि आप लोग को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं वो तो आपको बेसिकली आइडिया तो हो ही जाना चाहिए। पिछला व्लॉग हमने डाला था माइयों का, सो माइयों का पार्ट वन डल चुका है, पार्ट टू भी डलना है, तो पार्ट टू आज डालना था। बट स्टिल आज इलेक्शन है जिसकी वजह से पार्ट टू अभी अपलोड नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेट की बहुत ज़्यादा किल्लत की वजह से पार्ट टू अभी अपलोड नहीं हुआ। कि पार्ट टू अपलोड कर भी दो तो इंटरनेट बहुत कम लोगों का आ रहा है, तो पार्ट टू के मतलब कोई देख पाएगा और कोई नहीं, तो थोड़ी देर में वो भी अपलोड हो जाएगा पार्ट टू। सो आज है फाइनली मेहंदी, हम जा रहे हैं मेहंदी पे और मेरा थोड़ी मेहंदी लग भी चुकी। चेक करें कितनी प्यारी मेहंदी लगी फ्रेंड्स। स्टिल जिंदगी में पहली बार मेहंदी का इतना डार्क कलर मेरे हाथ में आया, कभी नहीं आता मेरे हाथ में, मुझे लगा था ये भी नहीं आएगा, बट बहुत डार्क कलर है। चेक कर ले मेरी फिंगर्स, कितना डार्क कलर मेरे हाथों में आया मेहंदी का। सो नैना ने भी यही मेहंदी लगाई है, हम लोगों ने ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाई है, टिक्की टुक्की बना के ना सिंपल सा काम किया, क्योंकि ज़्यादा ओवर क्या मेहंदी लगाना मुझे पसंद ही नहीं, मुझे वैसे ही मेहंदी नहीं लगाना पसंद है, तो बस सिंपल लगाती हो जब कभी बहुत ज़रूरत हो लगा ली। सो आज है फाइनली मेहंदी नाइट और हमने जाना है मेहंदी पे। सो आज वैसे मेहंदी के अलावा 6 बजे शाम के निकाह है पहले और बाद में मेहंदी होगी, तो मतलब पहले इसे कह शहंदी कह सकते हैं, आई थिंक सो ये शहंदी होती है, आई डोंट नो। तो आज बेसिकली शहंदी, मैं शहंदी पता मुझे याद आ रहा है तो यही कहूँगी, तो बेसिकली आज शहंदी और आज पहले निकाह और फिर मेहंदी, तो इसे मिला के हम बनाएंगे शहंदी। तो आज शहंदी, हमने जाना है शहंदी पे और उसके लिए हम कर रहे हैं तैयारियाँ। में क्या किया, हमने सारा सामान पैक कर लिया, तीन दिन होते शादी के, तीनों दिन के कपड़े पैक करके रख दिए मेरे नैना मम्मा के हम सबके, क्योंकि हम लोग स्टे करेंगे खाला लोग की तरफ, मुतरीबा लोग भी वहीं पर, सब इकट्ठे वहाँ पर रहेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फन होने वाला है। सो चैनल के साथ बने, सो जी फ्रेंड्स, बेसिकली आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अब हम देखते जाके देखते कौन क्या कर रहा है, सब रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी नहीं हुई तो मैं को जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते फिर रेडी होते हैं और आपको सारी डिटेल कंप्लीट पाई जाती है। वो जो ड्रेस पड़ा हुआ है वो पीछे मेरा मेहंदी का आज का आउटफिट है। सो मेहंदी का आउटफिट की मैं थोड़ी वीडियो वगैरह बना रही थी, आउटफिट की डिटेल शेयर कर दीजिएगी, कहाँ से आप लोगों ने अगर परचेज करना तो जाकर परचेज कर लीजिएगा। और अब जाकर देखते हैं कौन क्या कर रहा है, सो लेट्स गो, स्टे ट्यून गाइस। सो जी फ्रेंड्स, मैं होके आ गई हूँ रेडी, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, आपको बाकी डिटेल नहीं दिखा पाई बिकॉज हम बहुत लेट हो, तो मम्मा कहती जल्दी उठ के रेडी हो रेडी हो रेडी हो, तो फिर मुझे रेडी होना पड़ा। और अब आपको दिखाती हूँ बाकी सबकी कंप्लीट डिटेल, किसने क्या पहना, रेडी रेडी शेडी सब हो गए, पैकिंग भी सारी डन हो चुकी। सो लेट्स गो, चलते हो जाकर सबको देखते हैं। सो लेट्स गो, तो यहाँ से हम बाहर जाएंगे, ये कुछ सामान हुआ है, बाबा लोग कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, ये शूज वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे, ये सब पड़ा हुआ है, मम्मा यहाँ पे नमाज पढ़ रही है, ये हमारे जो बैग्स वगैरह, हमारे जो बैग्स वगैरह हो गए हैं डन, इसके अंदर सारे हमारे शूज जो हमने लगा लिए, जूते वगैरह जो शादी के जूते वो सारे इसमें हैं, इसमें मेकअप और नीचे वाले हम तीनों के कपड़े हैं, वो मेरा मेहंदी का आउटफिट है जिसे मैंने आयरन करके रख दिया, और ये नैना हुजूर और उसकी है कंप्लीट लुक। आज नैना हुजूर ने ये ड्रेस वेयर किया, मेरे जैसी ड्रेसिंग आज नैना हुजूर ने किया, मैंने भी यही ड्रेसिंग की फ्रेंड, चेक करें ये मेरी ड्रेसिंग है, कुछ कम्प्लीट डिटेल ये, और ये हमारे कमरे के हालात, क्योंकि हम अब जा रहे हैं शादी में बिकॉज, तो फिर शादी वाला घर जो आज, अब शादी के घर में जाना हो जो निकलते हो ना आप घर से, तो फिर इसलिए ना आप कपड़ों को आपके घर के हालात कुछ ऐसे ही होते हैं, सो इसलिए हमारे घर के हालात ऐसे ही है। मेरी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, दिल का नेल पॉलिश लगा लूँ बिकॉज 4 यहीं पे हो गए हैं और 5 बजे हमने सब ने वहाँ से निकल जाना है, और हम अभी रेडी भी नहीं हुए, मेकअप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, नेल पॉलिश भी नहीं लगाया, तो बहुत लेट हो रहा है, अब हम निकलने वाले हैं। सो लेट्स गो फ्रेंड्स, नैना की मेहंदी भी आपको दिखा देती हूँ, नैना जी अपनी मेहंदी दिखाइएगा प्लीज़, नैना जरा कंबल ब्लैंकेट्स वगैरह तय कर रही है, नैना जरा मेहंदी शो करवा दीजिए प्लीज़ फ्रेंड, ये चेक करिए मेरे और नैना हुजूर की मेहंदी, नैना हुजूर का ना हाथ जल गया था हीटर के साथ उसने लगाया और वो हाथ जल कर पूरा हो गया, ये हाथ इस तरह इसका जला। सो नैना हुजूर जरा कमरा नीट कर दे, मौसम भी बहुत प्यारा हुआ हुआ, तो बहुत ही प्यारा, तो बहुत ही प्यारा, तो ये सारे घर के लाते, ये मम्मी हुजूरियाँ बैठे हुए सॉक्स वेयर कर रहे हैं अपने फुटियों में, क्योंकि सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी, बहुत ज़्यादा हो चुकी, और धूप भी बहुत प्यारी प्यारी निकल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है, और अब हम निकलने लगे। सो लेट्स गो, स्टे ट्यून गाइस। सो जी फ्रेंड्स, ये है मेरी मम्मी हुजूर की आज की लुक, मेरी मम्मी ने ये ड्रेस वेयर किया हुआ है और अभी तक की मम्मा की ये लुक है, और ये साथ सामान पड़ा हुआ है, तो बहुत ही प्यारी, तो बहुत ही प्यारी, और नैना हुजूर की तो आपने देख ही चुकी हो, अगर वो बिजी स्टिल चल रही है, और अब हम निकलने लगे। सो लेट्स गो, निकलते और मिलते हैं आपसे वहाँ पर जाकर, स्टे ट्यून जी फ्रेंड्स। अब हम निकलने लगे हैं, ये है अलेक्जेंड्रा, सो अब हम जाने लगे हैं, सो स्टे ट्यून गाइस। फ्रेंड जी, चेक करें मैं घर से निकलते वक्त दो अलग अलग स्लीपर्स पहन के आ गई हूँ, मैं चेंज कर रहा, चेंज करते हैं याद ही नहीं चेंज करना, और ये पहन के आ गई, अभी एकदम से नज़र पड़ी तो मैंने दो अलग अलग स्लीपर्स, मेरे साथ ट्रेजेडी होगी फ्रेंड्स, और आज ये भी नहीं जैसे
मार्केट पे आप बंद है, स्टिल बहुत एम्बेरसमेंट मुझे फील हो रही है। वहाँ पे अब छप होगा तो कितना पे बंदा अजीब लगेगा। दो अलग अलग स्लीपर्स के साथ साथ यहाँ पे दो अलग अलग सॉक्स भी होता है, बंदा अजीब लगता है। यहाँ तो स्लीपर दो अलग अलग है फ्रेंड्स, बहुत ट्रेजिडी हो गई मेरे साथ। सो आप बाद में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं इनके घर, और यहाँ से दरवाज़ा बंद करें, बहुत ज़ोर से हो गया। सो चलते हैं जाके रेडी शेडी होते हैं। नहीं आ रहा है, दरवाज़ा बंद कर दिया है। फ्रेंड्स दरवाज़ा खोल दो, यहाँ से जाके उकाशा को भेजते जल्दी जाके हमारा सामान लेके आए, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है और हमें होना है बहुत ज़्यादा रेडी। मैंने खुद भी होना है, नैना को भी करना है और साथ में मम्मा को भी करना है और खाला को भी करना है, तो बहुत थोड़ा टाइम रह चुका है। यहाँ से इस मान यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, दुपट्टा मैंने उतार दिया। अब हम जा रहे हो जाके देखते हैं कौन कहाँ पे है। ये महलाइल की ड्रेसिंग है आज की, ये इसने ड्रेस वेयर किया, और ये उकाशा जी, उकाशा राजपूत भट्टी, क्या हाल चाल है। सो आप जाके देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है और फिर जल्दी से होते हैं रेडी, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। ये मारी, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे सब खा रहे हैं खाना और मिलते हैं स्टेडियम। फ्रेंड्स मैं तो अब घर से निकलने लगी हूँ तैयार होकर, बाकी सारे गाड़ियों में बैठ गया, और अब बाहर हमारी गाड़ियाँ हैं जिनमें अब हमें जाके बैठना है, तो अब हम जाके लगे हैं बैठने। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मिलते हैं। आशा को भी, ये भी तैयार हो गया और ये अपनी खड़ी के साथ लगा हुआ, हम दोनों अपने किताबी गाड़ी में बैठ चुके हैं। मम्मा आप भी दोनों रह गए हैं, अब वो आके बैठेंगे, और हमारे पीछे भी गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें जाना है हमें, ये नज़र नहीं आ रही है, आपको नज़र नहीं आ रही है मेरे की वजह से, पीछे भी हमारी गाड़ी खड़ी है और एक गाड़ी हमारी आगे खड़ी जिसमें दूसरे लोग बैठे हुए, अब हम सब लोग बैठ के जाएंगे वहाँ। मम्मा भी फाइनली गाइस, मम्मा भी आ चुकी है, बस आप ही रह गई हैं, आप भी आ चुके हैं, हम लोग भी सारे निकलते हैं अपने वेन्यू की तरफ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। तो जी फ्रेंड्स हम फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं, और ये है हमारी आज की लोकेशन एग्जैक्ट, और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, मम्मा लोग जा रहे हैं और जाके देख। सोचे फ्रेंड्स इस वक्त निकाह होने लगा है, ये दूल्हा सामने बैठा हुआ है, अभी दुल्हन नहीं आई, अभी दुल्हन भी आ जाएंगी तो निकाह स्टार्ट होगा, फिर निकाह होगा, आपको सारा कुछ दिखाएंगे। सारे आए हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैस। As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله كريم دو فیملیز آپس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تزاشر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاحوں کی برکات عطا فرما یا اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام و سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاحوں کی برکات ان دونوں جوڑوں کو عطا فرما یا اللہ کریم آنے والی تمام مشکلات کو آسان کر चंदू।